हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त राहुल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल मेरा बागीचा में। दोस्तों, आज हम कुछ नया लेके हाजिर हैं आपके सामने, और इस नया चीज़ में यह है कि बरसात का मौसम शुरू हो चुका है, लगभग मानसून हर तरफ आ चुका है। और इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि मानसून के मौसम में यानी कि बरसात के समय में जुलाई में जब शुरुआत होती है तो कौन कौन सी सब्जी आप अपने गार्डन में आसानी से लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप गमले में सब्जियों को उगाना चाहते हैं तो आप हाइब्रिड टाइप के बीज का ही प्रयोग करें, आप देसी टाइप के बीज का प्रयोग ना करें, क्योंकि देसी टाइप के बीज जो है ग्रोथ होने में काफ़ी समय ले लेते हैं और उसमें फल भी काफ़ी थोड़ी सी देरी से आती है। इसीलिए आप जो भी यूज़ करें बीज को, वो जो है कि हाइब्रिड टाइप के बीज हो अगर आप लगाना चाहते हैं गार्डन में या फिर गमले में। दोस्तों, सबसे पहले नंबर पे हमने रखा है बैंगन को। बैंगन आप जो है आसानी से जुलाई के माह में आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं और इसमें अधिक मात्रा में फल ले सकते हैं। आप चाहें तो इसको जो है कि आप गमले में भी आसानी से लगा सकते हैं, उसके लिए थोड़ा सा गमला बड़ा लीजिएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमने रखा है मिर्च को। मिर्च को भी आप आसानी से अपने गार्डन में लगा सकते हैं, गमले में भी लगा सकते हैं, और यह जो है जुलाई माह में आसानी से लगाई जाने वाली। उसके बाद भिंडी भी आप आसानी से लगा सकते हैं, भिंडी में भी कई वेराइटी आती हैं, लेकिन आप बीज जो लीजिएगा कभी भी भूल के देसी वाला बीज मत लगाइएगा। आप जो है मार्केट जाइएगा, मार्केट जाने के बाद वहाँ पे एक बरसात वाली भिंडी आती है जिसे केवल बरसात में लगाया जाता है, आप उसको जो है कि जुलाई में लगा सकते हैं आसानी से। तो जो शॉपकीपर होता है, जो सीड्स जहाँ पर मिलते हैं, उनसे बोलिएगा आप कि मुझे बरसात वाली भिंडी का बीज दे दीजिए, वो आपको आसानी से दे देंगे। चौथे नंबर पे दोस्तों, आप जो है टमाटर लगा सकते हैं। टमाटर को आप जो है कि आप अपने घरों के जो किचन में टमाटर हमारा मिलता है उससे भी उसकी स्लाइड काट करके उसके बीज को जर्मिनेट करके आप अपने गार्डन में आसानी से टमाटर को भी जुलाई माह में लगा सकते हैं। इसके अलावा सबसे बेहतरीन सब्जी मानी जाने वाली है पाँचवें नंबर पर, वो है लौकी। लौकी को भी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा छठवें नंबर पर करेला लगा सकते हैं, सेम को भी लगा सकते हैं। इन तीनों सब्जियों को लगाने के लिए आप जो है ऐसी जगह का चुनाव कीजिएगा, बरसात का मौसम है, जुलाई का मंथ शुरू होने वाला है, तो इससे पहले आप लगाते हैं इसको, तो ऐसी जगह का चुनाव कीजिएगा जहाँ पे पानी होल्ड ना होता हो। बारिश का मौसम है तो इसमें जो है कि ये सब्जी काफ़ी अच्छे से ग्रो होती हैं, ख़ासतौर पर लौकी, करेला और सेम, क्योंकि ये वाइन वाली सब्जियाँ हैं, इन्हें जो है सहारे की ज़रूरत होती है, एक जो है छज्जा टाइप का बनाना पड़ता है इसको, जिस पे ये चढ़ करके लता टाइप की सब्जियां हैं, ये उसी पे लटक करके फल देती हैं। इसको लगाने के लिए आप जो है ऐसी जगह का चुनाव कीजिएगा जहाँ पे वाटर ड्रेन का सिस्टम बहुत ही अच्छा हो, यानी कि पानी होल्ड ना होता हो। कहने का मतलब है कि जल निकासी का जो व्यवस्था हो वहाँ पे उचित व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ पे आप इन तीनों सब्जियों को लगा सकते हैं। उसके अलावा पालक भी लगा सकते हैं। चौराई, आठवें नंबर पे हमने चौराई को रखा है। चौराई एक ऐसी सब्जी है जो कि बरसात के समय पूरे मंथ में यानी कि जुलाई माह के पूरे मंथ में आसानी से उगाई जा सकती है, लेकिन आपको विशेष ध्यान देने वाली बात यह होती है कि आवश्यकतानुसार पौधों की प्रॉपरली तरीके से निराई गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है, और सबसे बड़ी बात होती है कि जल निकासी की जो व्यवस्था हो वो व्यवस्था एकदम उचित होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। दोस्तों, एक बात और मैं बता दूँ आपको, इन सबको लगाने के लिए आप जो है मिट्टी की ध्यान रखें, तो मिट्टी के लिए आप नॉर्मल गार्डन की सॉइल ले सकते हैं, उसमें कंपोस्ट ले सकते हैं। कंपोस्ट में आप चाहें तो गोबर की सड़ी हुई खाद यानी कि फुल्ली डिकम्पोस्ट हुआ गोबर या वर्मी कंपोस्ट, इसकी 50-50 रेशियो मिला करके आप आसानी से लगा सकते हैं। सैंड का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये जो है कि वाटर ड्रेनेज का काम करती है, और बरसात में जुलाई माह में काफ़ी बारिश की वजह से वाटर ड्रेन हो नहीं पाता है प्रॉपरली तरीके से। तो पौधों को लगाने के बाद उसकी जो है किनारे पे मेड़ जो है थोड़ी सी ऊंची बना दीजिएगा, ताकि पौधों की जड़ों में पानी ठहरे नहीं और उसके बाद वाटर पूरी तरीके से ड्रेन हो जाए। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी आपको। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर इस चैनल पर नए हैं या फिर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।